दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन खाता ऑनलाइन कैसे ओपन करना है इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव दिखाने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको जानना जरूरी है कि अगर आप जनधन खाता खुलवाते हैं तो ऐसे में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा। सबसे पहले तो दोस्तों ये जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, यानी कि आपके बैंक खाता में अगर पैसे नहीं है तो भी कोई आपको चार्जेस नहीं भरना पड़ेगा। दूसरा, आपको एटीएम कार्ड मिल जाता है जिससे दोस्तों आप आसानी से पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं किसी भी एटीएम से। उसके साथ साथ 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट लिमिट मिल जाता है कि अगर आपके खाते में पैसे नहीं है और इमरजेंसी में आपको पैसा चाहिए तो 10,000 रुपए तक दोस्तों आसानी से आप जो है विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आप उसे चुका सकते हैं बैंक को, समझ रहे हो। पैसे नहीं होंगे तो भी आप पैसे निकाल सकते हैं। उसके साथ साथ आपको एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिल जाता है, वो भी 2,00,000 रुपए तक का। सोचो जनधन खाता वालों को कितने सारे बेनिफिट्स हैं। ये तो मैंने कुछ हाईलाइट बताए हैं, इससे ज्यादा आपको जो है बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो कैसे आप जनधन खाता खुलवाएंगे, क्या है इसका पूरा प्रोसेस, आइए मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर देना। दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट ऑनलाइन ओपन करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप में कोई भी एक ब्राउजर को ओपन करना है और यहां पर सर्च करना है PMJDY अकाउंट ओपन ऑनलाइन। जैसे आप लिख लेते हैं उसके बाद आपको इसे सर्च कर देना है। अब यहां पर सभी बैंकों का ऑफिशियल लिंक आ जाएगा जिससे आप प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का देख सकते हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का यहां पर दिया हुआ है और साथ ही साथ एक्सिस बैंक आप देख सकते हैं, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, SBI हो गया, ICICI बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, सभी बैंकों का यहां पर लिंक दिया हुआ है। जैसे कि दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा क्या है, हमें ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जनधन योजना अकाउंट ऑनलाइन ओपन करने के लिए। तो अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में ओपन करना चाहते हैं तो इसी लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑफिशियल पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है। इसका सबसे पहले आप यहां पर बेनिफिट देख लीजिए। बेनिफिट क्या है, यहां पर इंटरेस्ट मिलेगा आप डिपॉजिट जितना भी अपने अकाउंट में करेंगे और यहां पर नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड। अगर आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो भी आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, जीरो बैलेंस अकाउंट है। और फीचर्स के अंदर आते हैं तो यहां पर 10 से ज्यादा फीचर्स आपको मिल जाते हैं। जो मेन है वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों यहां पर आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिल जाता है जो पहले 1,00,000 रुपए था लेकिन अब उसे बढ़ा कर क्या कर दिया गया है, 2,00,000 रुपए कर दिया गया है, ठीक है। आप यहां पर साफ साफ देख सकते हैं एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ठीक है। जिसके बाद दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं इजी ट्रांसफर ऑफ मनी अक्रॉस इंडिया। आप पूरे इंडिया में किसी को भी आसानी से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और यहां पर ओवरड्राफ्ट का फीचर्स मिल जाएगा 6 महीने अगर आप अपने अकाउंट को सही से मींस यूज करते हैं तो ओवरड्राफ्ट लिमिट आपको जो है यहां पर मिल जाने वाला है। उसके साथ साथ दोस्तों आप यहां पर नीचे की तरफ आते हैं तो यहां पर आपको पेंशन हो गया और इंश्योरेंस हो गया, इसका भी दोस्तों बेनिफिट मिलने वाला है। उसके साथ साथ आपको 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट लिमिट मिलेगा, यानी कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तब भी 10,000 रुपए तक का आप ओवरड्राफ्ट लिमिट के हिसाब से पैसे निकाल सकते हैं, समझ रहे हो। इतने आपको यहां पर फीचर्स मिलने वाले हैं, ठीक है। अब यहां पर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा अकाउंट ओपन करने के लिए वो भी यहां पर बताया गया है, जिसमें आप देखेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, जिसमें आधार कार्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आसानी से दोस्तों आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर आधार कार्ड नहीं है तो आपको क्या क्या देना होगा, वोटर आईडी कार्ड हो गया एक डॉक्यूमेंट, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर पैन कार्ड, पासपोर्ट, या फिर जो भी है वो यहाँ पर कोई एक दूसरा डॉक्यूमेंट आपको देना होगा तो आसानी से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, ना आधार कार्ड है, ना पैन कार्ड, ना ड्राइविंग लाइसेंस, तो कैसे आप अकाउंट ओपन करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको बताया गया है आइडेंटिटी कार्ड हो गया या फिर कोई और जो दस्तावेज होते हैं वो सब देकर भी आसानी से आप जो है अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट ऑनलाइन ओपन करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अप्लाई नाउ का बटन दिया हुआ है आप देख सकते हैं, इसी के ऊपर दोस्तों क्लिक कर देना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा, अप्लाई ऑनलाइन फॉर प्रधानमंत्री जनधन योजना। आप ऊपर देख सकते हैं, ठीक है, पूरा चीज यहां पर बताया गया है। अब अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके आधार कार्ड में जो आपका नाम है वो सही सही यहां पर टाइप कर लेना है, ठीक है। और यहां पर आपको अपना ईमेल आईडी टाइप कर लेना है, उसके नीचे दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, यही मोबाइल नंबर आपके अकाउंट के साथ लिंक भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, सभी स्टेट का नाम आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा तो आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहां पर आपको अपना सिटी सेलेक्ट करना है, आप किस सिटी में रहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहां पर सिटी सेलेक्ट करते हैं
और यहाँ पर आपको ब्रांच सेलेक्ट करना है, किस ब्रांच में दोस्तों आप अपना अकाउंट ओपन करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, जो भी आपके नियर बाय ब्रांच है उसे सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर कैप्चा कोड को जो है टाइप कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर चेकबॉक्स पे आपको क्लिक करना है, नीचे सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट करते हैं दोस्तों यहाँ पर मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा, थैंक यू फॉर शोइंग द इंटरेस्ट इन बैंक ऑफ बड़ौदा, योर डिटेल्स हैज बीन रिकॉर्डेड एंड आवर एग्जीक्यूटिव विल बी कॉन्टेक्ट यू सून। यानी कि दोस्तों आपका यहाँ से जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मीन्स बोल सकते हो ना एक कर्मचारी है वो आपको कॉन्टेक्ट करेंगे और ऑनलाइन दोस्तों आपका जो है अकाउंट ओपन कर देंगे। मतलब कि जो पूरा प्रोसेस है दोस्तों वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। तो इस प्रकार दोस्तों आप जो है अप्लाई कर सकते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के लिए ऑनलाइन। मतलब कि ऑनलाइन ही दोस्तों यहां पर आप रिक्वेस्ट को दर्ज कर सकते हैं, उसके बाद जो है आपको कॉन्टैक्ट करके बैंक ऑफ बड़ौदा के जो कर्मचारी है वो आपका अकाउंट जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना में ओपन कर देंगे। समझ गए? तो इस प्रकार दोस्तों आसानी से जो है आप ओपन कर सकते हैं अकाउंट। अगर आपको तरह तरह के लाभ चाहिए तो ये अकाउंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट वाला है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।